वनूक में कोई भी प्रोग्राम डिलीट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पर ओ नंबर होता है वो हमें फाइल का ओ नंबर टाइप करना है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है 00266 ओ नंबर की एक फाइल है, उसे हमें डिलीट करनी है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले 00266 फाइल सर्च करना है। तो हम ये करते हैं 00266 एंड उसके बाद जो यहाँ पे MOP पे जो डिलीट बटन की की है उसे हमें प्रेस कर देना है, जिससे ये कंफर्मेशन हमें यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन देगा कि डिलीट द प्रोग्राम 00266 ?" तो अगर हमें ये डिलीट कर देना है तो यहाँ पर हमें एग्जीक्यूट कर देना है, जिससे जो ये फाइल है वो डिलीट हो जाएगी। और ये राइट प्रोटेक्टेड आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ से जो एडिट लॉक है वो अभी ऑफ पे रखा है, इसे हमें ऑन कर देना है, राइट। तो फिर अगर हम बात करें कि ये CNC मेमोरी में हम देखें, यहाँ पे हमें 00266 नाम की एक फाइल है, अगर उसे डिलीट करनी है तो 00266 और यहाँ डिलीट बटन पे क्लिक करना है। एंड देन अब हमें पूछा है कि आपको डिलीट करना है तो यहाँ पर एग्जीक्यूट है, अगर हमें करना है तो एग्जीक्यूट, ये यस या फिर ये नो, ये दो बटन है। यहाँ पर एग्जीक्यूट किया तो ये जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगी, राइट। अगर हम डायरेक्टरी में देखें यहाँ पर CNC मेमोरी दिखाई दे रही, यानी कि जो CNC के पास जो मेमोरी है वहाँ से ये जो फाइल है वो डिलीट हुई है कि नहीं, अगर वो हम देखना चाहिए तो यहाँ पर दिखेगा हमें। तो यहाँ पे 265 के बाद जो 00266 वाली फाइल होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, यानी कि ये डिलीट हो चुकी है।